राधे राधे गाइस, कैसे सभी लोग। वेलकम बैक टू माय 36th वीडियो ऑफ माय 75 डे चैलेंज। टुडे वी हैव GTA सैन एंड्रियास। तो मेरा नाम है स्पाइडरमैन। तुम सोच रहे हो यहाँ स्पाइडरमैन क्या कर रहा है GTA सैन एंड्रियास में। तो मैंने सोचा इसे मंगा लिया जाए स्पाइडरमैन को। वैसे भी बहुत स्पाइडरमैन 2, 3, 4 बना बना के थक गया, तो इसने सोचा GTA सैन एंड्रियास में आ जाऊँ। अबे जवान, तो क्यों चल रही है भाई साहब। मैंने सुना है कि एक न्यूयॉर्क से एक शिप आई है यहाँ पर, और उसमें है बैटमैन की गाड़ी, जिसे आर्मी वालों ने मंगाया है अपने कुछ धंधों के लिए। तो हमारा भी ये ही काम है कि उसको जाके चुराना, क्योंकि चोर और कुछ नहीं करते। ये गाड़ी भी चोरी की है, ये कपड़े भी चोरी के हैं स्पाइडरमैन के, आती टाइम पे चुरा लिए थे मैंने। बेचारा पता नहीं कहाँ बैठा होगा, वो इधर उधर ही होगा किसी बिल्डिंग पर नंगा चड्डी में। उसके कपड़े चुरा लिए थे बेचारे को, कपड़े नहीं छोड़े मैंने। अब मेरे को फटाफट से उधर जाना है, कहाँ पर, एयरपोर्ट के पास जाना। उधर है मेरे, उधर ही है वो शिप, क्या नाम है उसका, कार को शिप कौन सी है, उसमें ही है बैट मोबाइल, उसको अपन को चुराना है। क्योंकि अपन यार ये क्या हो गया भाई साहब, चोरी गाड़ी बच गई। नहीं ये भी सत्यानाश हो जाती। वैसे यार मस्त तो लग रही है मेरे को यार, लैम्बोर्गिनी बहुत अच्छी लगती है। मतलब आई लव यू लैम्बोर्गिनी यार, मतलब कितनी मस्त लगती है। देखो ना, देखो इधर मैं लोकेशन बता देता हूँ, इधर इधर की साइड ये लाल लाल पॉइंट लिख रहा है ना, यहाँ पर ही इधर जाना है अपने को। मैंने यहीं पर थी इसकी लोकेशन, मेरे राइडर ने मेरे को इसकी लोकेशन इधर ही दी थी। तो चलते हैं फटाफट गाड़ी में रेस देते, क्योंकि लैम्बोर्गिनी का पार्ट मैं कट नहीं करूँगा। ये मुझे बहुत ज़ोरदार लगती है गाड़ी, मतलब चीज़ क्या है, एक मिनट साउंड सुनो तो यार क्या, मतलब इतनी तेज चलती है। स्पीड देखो भाई, स्पीड आराम से ले जाती है, 100 ले जाती है आराम से, आराम से जाती है 100, तो 50 तो ऐसे खुल देती है। माई गॉड वेयर इज दिस, यहाँ तो यार रास्ता ही गाड़ियाँ गाड़ियाँ हर जगह, इतनी ट्रैफिक ज़्यादा है आज, आज ज़्यादा ट्रैफिक है। और मेरे को लगता है कि अपन को ऑफ रोड जाना पड़ेगा अब, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से शिट, इसलिए मेरे को ऑफ रोड बहुत बेकार लगती है लैम्बोर्गिनी के लिए। वैसे भी अपन को रास्ता मिल चुका है, तो यहाँ से जाते हैं और पूरा थोड़ा सा एक केव है, यहाँ से निकलेंगे। टनल में से निकलते ही अपने को गाड़ी को पार करना है। क्या फटाका फुटाका मजा आ गया। एक मिनट, पुलिस वाली जा रही है, बाद में लेके चलता हूँ। वैसे भी गाड़ी चोरी, क्या पता इसको भी धल्ले। मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए यार गाड़ी को, कार को शिप, शिप को छोड़ो, मैं गाड़ी को पार करता हूँ पहले। क्योंकि इस गाड़ी को पार करना बड़ी दिक्कत की बात है, जहाँ खुली मिली हर कोई लेके भाग जाता है इस गाड़ी को, इसलिए इसको स्पेशल जगह पार करेंगे। ऐसा करते हैं होटल पे, हाँ यहीं कर देते हैं पार्क, होटल के पास यहाँ ये सेफ रहेगी बिल्कुल। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, स्पाइडरमैन की पोशाक है अपने पास, कैमरे लेके आया मैं, DSLR, इसे DSLR से ये देखेंगे हम कहाँ पर है वो शिप। और मेरे को लगता है यार, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, तो शिप मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो मेरे को शायद आगे और जाना चाहिए। इस ब्रिज पर जाके देखता हूँ, यहीं से दिखेगा सारा व्यू। तो एक बात तो यार, इस ब्रिज से दिख जाएगा व्यू, DSLR है ये मेरे पास। फटाफट देखता हूँ, इधर की साइड तो नहीं है, तो आगे की साइड ही होना चाहिए, वहाँ तो नहीं। ओ एक मिनट, वो क्या है, शायद वही है यार, शायद सिर्फ वही है भाई साहब, वही है कार को सिर्फ। पर मेरे को गाड़ी तो दिख नहीं रही गाइस, ये ले तो नहीं गए, क्या पता है आर्मी वाले पहले ले गए हो गाड़ी को, मेरे को भी फालतू माना पड़ गया यहाँ पर। एक मिनट भग के देख के आता हूँ जल्दी फटाफट। एक तो स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम इतनी स्ट्रेची है यार, मतलब भगा ही नहीं जाता है। ये फेंता कैसा है यार, ये टाइट टाइट है, मतलब इतनी कितनी टाइट है यार ये। ओ भाई साहब, बोरी गाड़ी तो है यार। ओ भाई बैट मोबाइल मिल गई, अब बैट मोबाइल चलाएगा स्पाइडरमैन। ये अलग अलग यूनिवर्स में क्या हो रहा है MCU। ओ माय गॉड, 6 स्टार कहाँ से लग गए, गाड़ी में बैठते 6 स्टार कहाँ से लग गए। अरे यार इधर तो टैंक्स भी आ गए और पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, अब क्या करूँ, अब जल्दी भागना पड़ेगा। मतलब क्या, बैटमैन ने पहले इसमें सिक्योरिटी लग रखी थी क्या,
आर्मी वालों ने मेरे को पकड़ने के लिए इस गाड़ी को मंगाया जिसमें बैठूँ 6 स्टार हो जाए। ये असंभव है यार, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अब मेरे को लग रहा है ये गाड़ी को फोड़ देंगे यार, मेरे को गाड़ी को चलाने दो भाई साहब, ये गाड़ी ख़त्म है अब की बार। और मैंने सुना है गाड़ी बहुत ड्यूरेबल है और ये टूटती फूटते नहीं है, तो इसको भी देख लेंगे, फूटेगी तो अपन ही मरेंगे। एक मिनट, ओ भाई बच गया भाई गाड़ी, मतलब यार ऐसे अभी ऐसे खास में। ओ मैं गया बच गया जल्दी। पर भाई साहब गाड़ी को कुछ स्क्रैच विस्क्रैच कुछ नहीं आया, मतलब इतनी गाड़ी ठोक दी इसने, टैंक के बगल में आ गई, मतलब अभी तक तो इसको ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन बच कैसे गई ये, हाउ इट दिस पॉसिबल। ओह माय गॉड, देखो वो नीली वाली कार थी वो फूट गई, लेकिन ये नहीं फूटी। मतलब भाई साहब गाड़ी तो है ख़तरनाक, इसमें अगर मैं बैठ जाऊँ तो मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। वो बात अलग है अगर ये पुलिस वाले गेट खोल के मुझे लात दे के भगा दे। अभी मैं इधर आ गया हूँ सब्वे में, और सब्वे में मेरे को नहीं लगता कि पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर आ पाएंगी। ट्रेन इधर से जाएगी तो मेरे को इधर से जानी चाहिए शायद, बट यार इधर से जाऊँगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरे को अपने घर भी जाना है, तो इसको यहाँ से साइड करके डायरेक्ट अपने घर की ओर ही चलता है, और वहीं से मारेंगे इनको पुलिस वालों को भी। गाड़ी को वहीं रख देंगे और फिर अपन एयरपोर्ट पे जाकर वहीं से एस्केप कर लेंगे सिटी से, बाकी बाद स्टार ख़त्म हुए और वापस अपनी बैटमोबाइल ले लेंगे घर पे आके। ये सही प्लान है यार, प्लान देख लो, मैं चलते चलते बना लेता हूँ। ट्रेन के पास क्यों खड़ी कर दी मैंने गाड़ी, सीधी चलते हैं अभी यहाँ से फटाफट। रेश एक बात तो यार, गाड़ी पे कुछ नहीं हो रहा, मतलब इतनी ठोक दी मैंने, बहुत ठोके, इतने जुल्म किसी और लंबोर्गिनी पे कर देता ना मैं, वो अभी तक फूट जाती गाइस। ये बात सही है, मैं 100% बोल रहा हूँ कि अभी तक तो वो फूट ही जाती, लेकिन देखो एक मिनट, कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं, कोई कांच भी नहीं फूटा इसका, मतलब कांच ही बुलेट प्रूफ है भाई साहब इसकी। इसको है ना मतलब खतरनाक ढंग से ऐसे बनाया है बैटमैन ने, जो इसे कोई तोड़ फोड़ नहीं सकता है। सुपरमैन भी इसकी गाड़ी क्या कुछ नहीं है, ये गाड़ी सुपरमैन के हमलों से भी नहीं बच सकती। और इसके टायर भी देखो रिफ्लेक्स मार रहे इसके टायर भी देखो पीछे से। अभी अपन यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ, ट्रेन क्या पता ट्रेन आ रही पीछे से कर जाए, लेकिन इसको तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये है बैटमोबाइल। और अभी मैं यहाँ से फटाफट निकल लूँ, क्या पता बाहर पुलिस मेरे स्वागत के लिए खड़ी हो। एक मिनट, यहाँ तो कोई पुलिस नहीं, लेकिन आवाज़ें तो आ रही हैं भाई साहब, आ गई है गाड़ियाँ। इतना मेहनत करते हुए फिर भी यहाँ गाड़ियाँ आ गई, पुलिस पता नहीं कैसे ढूंढ लेती है अपने को हर जगह। ये बात ठीक नहीं है भाई, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अब मेरे को ऐसे बचना बोल रहा टैंक, इसको चकमा दे के निकल जाऊँगा। बच गया भाई, बच गया मैं तो, अब किधर जाऊँ। और एक तो ठोक बहुत रही है, एक तो संभल नहीं रही मेरे पे, इसकी स्पीड ही बहुत खतरनाक है। जैसे लंबोर्गिनी की स्पीड और इसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि लंबोर्गिनी से ज़्यादा पावर है इसके। देखो यहाँ से मैंने रेस दी, इतनी ऊपर चढ़ गई, लंबोर्गिनी नहीं चढ़ पाती इधर, लेकिन ये चढ़ गई, मतलब इसमें कुछ बात है गाड़ी में। इसमें जगह जगह तो इसमें लाइट लगा रखी बैटमैन ने। अब यार मैं यहाँ पर तो आ गया, यहाँ से निकलने का रास्ता किधर है? ओ वेट, हो रहा पीछे रह गया यार, मेरे को पीछे जाना पड़ेगा यहाँ से। यू टर्न मार के मेरे घर पे ही आ गया हूँ गाय, ये देखो मैं घर पे आ गया हूँ। अब पीछे गेट से निकलूँगा डायरेक्ट, इसको सीधा गैराज में डाला और कमरे में घुस जाऊँगा, घर में घुस जाऊँगा सीधा, किसी को पता ही नहीं चलने दूँगा कब आई गाड़ी। अब जल्दी से कुछ, अबे यार मेरे को लग रहा है गाड़ी आ गई भाई, हेलीकॉप्टर तो आ गए। अब मैं यहाँ फंस गया हूँ, जल्दी निकल भाई, अबे निकल नहीं रहा, फंस गया यार मैं इधर भाई, गोलियाँ पड़ रही है, जल्दी निकलना पड़ेगा घर में जाना पड़ेगा, और बंदूक लेनी पड़ेगी, और बंदूक लेके फिर अपन एयरपोर्ट पर निकलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि कैमरे से हमने इसको नहीं मार सकते, हमारी औकात नहीं है कैमरे से इनको मार दी। तो फटाफट से घर में जाकर बंदूक ले लेता हूँ और फिर ठिलाएंगे हम इनको दमादम। फटाफट से जाता हूँ, एक मिनट रुक जा तुम बस, ये बाहर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से स्टार कम हो जाए अपना घर पे रह के, लेकिन वो हो ही नहीं रही, तो क्या करें, अब अपन को गोलियाँ निकालनी पड़ेगी अपनी। तो गाइस मैंने गोलियाँ ले ली है, बंदूक भी ले ली, मैंने बंदूक के लिए ली है गोलियाँ ले ली है। अब यहाँ से अपन को डायरेक्ट निकलना है बाहर, पुलिस वालों को ठोकना है फटाफट से, चलते गाइस। एक मिनट, है क्या कोई,
निकलना ही पड़ेगा गाइस बाहर। ओ माय गॉड, ये तो 5 6 7 1 2 3 4 5 5 है भाई साहब। 1 2 3 मार गए, 5 5 मार दी, वो छठा भी आ गया। अब मैं गाइस, मैंने पार्ट कट कर दिया, मैं सीधा आ गया हूँ एयरपोर्ट पर। और यहाँ मेरा हाइड्रा था, तो हाइड्रे में बैठ के हम निकलेंगे यहाँ से, सिटी से एस्केप कर देंगे और 1 2 दिन के लिए गायब हो जाएंगे। उसके बाद अपने घर पर आकर बैटमोबाइल को घुमाएंगे, सही है ना प्लान? वैसे हाइड्रा स्टार्ट होता है, अब मेरे को इनकी टेंशन है क्योंकि मेरे हाइड्रा में भी मिसाइल है और इनको मैं 2 मिनट में तबाह कर दूंगा। ओ भाई, मिसाइल तो मेरे पास भी आ रही है, इसको तबाह कर दूँ इसको। ये गोलियाँ चला रहा सारा, एक पीछे, अभी चलेगा कैसे यार? हाइड्रा तो मतलब यहीं जाम हुआ पड़ा है। एक तो हाइड्रा को चलाने में बहुत टाइम लगता है, हाइड्रा को चलाने में बहुत टाइम चाहिए भाई साहब कंज्यूमर को। जो कितनी अब स्टार्ट हुआ है ढंग से, अब ढंग से स्टार्ट हुआ है। अब तो मैं आराम से निकल जाऊंगा इधर, अब मैं आराम से निकल जाऊंगा इधर। अब गाइस, 1 दिन के लिए हम यहाँ से फरार हो रहे हैं और जैसे स्टार्स हट जाएंगे हम आ जाएंगे वापस अपने सिटी में, अपने मकान में, और वहाँ से लेंगे हम हमारी गाड़ियों को। अरे हाँ यार, लैम्बोर्गिनी और भाई पड़ी है, उसको भी लेना है। लैम्बोर्गिनी को अगर तुम अगले किसी वीडियो में कमेंट के लिए बोलोगे तो उधर से हम लैम्बोर्गिनी को लेकर आएंगे। उधर से एक काम है, वहाँ भी उस काम को भी करेंगे। तो फटाफट चलते हैं घर पर अभी तो। गाइस, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि अपने एक बैटमोबाइल चुराई थी और नेक्स्ट डे में मैं यहाँ स्टार्स हट चुके हैं और मैं आ चुका हूँ वापस अपनी सिटी में। अब मेरे को जाना है अपने घर पर, तो मैं फटाफट यहाँ से छलांग मारूंगा। मेरे पास पैराशूट है डरने का नहीं, मैं भी स्पाइडरमैन से कम नहीं। स्पाइडरमैन की शक्तियाँ नहीं है मेरे पास, लेकिन उससे ज़्यादा दिमाग है। अब फटाफट से इसको लेके चलते हैं नीचे, यहाँ टाइम के लिए कंज्यूमर को और टाइम चाहिए। फटाफट चलते हैं। बट यार, यहाँ से तो एक गाड़ी भी लेनी पड़ेगी यार, बिना गाड़ी के यार काम कैसे होगा? ये रेड वाली अच्छी लग रही है, इसको ले लेते। शाइन भी मार रही है यार, इसको ले लेते। गाड़ी मैंने ये खोली है, बंदे ये 3 बाहर के आए, मतलब तुम्हारी गाड़ी थोड़ी है, किसी और की गाड़ी है, मैंने तो चोरी है यहाँ से। देखो मैंने यहाँ से चोरी भी कर ली। ओ भाई, बारिश आ गई, बारिश आ गई यहाँ पर तो। देखो जैसे मैंने तुमसे अभी तक नहीं बुलाया, तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही ना तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपनी वीडियो को, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, फॉलो करो, मतलब सपोर्ट करो मेरे को अपने चैनल की ग्रोथ के लिए। अभी हम फटाफट पहुँचते हैं अपने बैटमोबाइल को देखने के लिए, क्या पता पुलिस वाले ले गए हों उसको। ऐसे ले जाने नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बंद करते समय इसमें लॉक लगा दिए थे गैराज में, तो ऐसा होगा नहीं। तो मैं फटाफट, यहाँ बारिश भी चली चुकी है और यहाँ आ गया हूँ मैं, प्लीज होनी चाहिए। हो गई भाई, ये अपनी गाड़ी आ गई। तो गाइस, बिना किसी तकलीफ के हमें बैटमोबाइल मिल चुकी है, हम उसके मालिक हो चुके हैं ऑफिशियली। वो पता नहीं कि 2 4 दिन तक हमारे पास रहेगी, इस पर हम टेस्ट करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इसकी देखेंगे ड्यूरेबिलिटी कितनी है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। बाकी तक के लिए राधे राधे गाइस, बाय बाय।